अच्छा है, मतलब इसका हैंडलिंग। हेलो व्हाट्सअप भाई लोग, मेरा नाम अर्पण, आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एआरपी ब्लॉग्स। तो भैया आप लोग सोच रहे होंगे इस साइड से क्यों रॉन्ग साइड से जा रहा है, पर दिक्कत क्या है ना, जो नीचे पुल था उसमें पानी एकदम भर चुका है, दैट्स व्हाई हमको जाना पड़ रहा है ऊपर से। आउच आउच, तुमसे आगे अपन जाएगा। हाँ तो हम अभी कहाँ जा रहे हैं, बजाज पल्सर N250 और जो F250 आया है उसका एक भी वीडियो अभी तक अपन ने शूट नहीं किया, क्योंकि घर पर नहीं था और भी थोड़ा बहुत काम पे बिजी था, तो शूट तो नहीं हो पाया। तो आज सोचे कि खाली हाथ शूट कर लिया जाए ये, तो उसके लिए ही जा रहे हैं। अभी सौरभ भाई आ रहा है इंडस्ट्रियल पार्क, उधर से चलेंगे दोनों एक साथ मेदिनीपुर, और साथ में दो तीन और भी छोटा मोटा काम है वो भी निपटा लेंगे उसी हाथ, और जाने के बाद मोटो ब्लॉग बहुत ही दिनों बाद। और ये साला टक 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 कर रहा है, हुडी का जो क्या वो क्या होता है, वो बताओ यार क्या होता है हुडी का वो, अरे रस्सी हुडी का जो रस्सी होता है वो लग रहा है टक 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 करके, तो इसीलिए साउंड आ रहा है ऐसे। तो ठीक है भाई, फटाक से बहुत सही, क्योंकि सौरभ भाई ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और मैं देरी करना नहीं चाहता, हमेशा लेट लतीफ हो चुका हूँ मैं, जब से यूट्यूब पे आया हूँ तब से लेट लतीफ ही हूँ मैं, टाइम नहीं मिलता। मतलब क्या होता है ना, हेलमेट में कैमरा माउंट करो, उसके बाद टेस्ट करो कैमरा एंगल कैसा है, ठीक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, फिर ग्लव्स पहनो, शू पहनो, बाइक कॉल स्टार्ट करो, ऐसे सब कुछ करते करते टाइम लग जाता है। और मैं बजाज के बाइक देखने जा रहा हूँ, तो इसीलिए बजाज पल्सर चूज़ किया चलाने के लिए, जो कि सौरभ भाई का ही है, सौरभ भाई का बड़े भैया का बाइक है ये, सौरभ भाई का ग्रे कलर का है NS 160, और ये भी 160 ही है। तो बाकी सबने मेरा बाइक जा रहा है, बहुत दिन बाद है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत हद तक अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद आए हैं, घर में बैठे रहते हैं। ओ भाई साहब व्हाट अ साउंड, ठीक है चलो पहुंचते। 2000 years later। अच्छा है, मतलब इसका हैंडलिंग थोड़ा सा ऐसे बेंड करके देखो तो समझ में आ गया। बाकी भाई साहब ठीक ठाक कह सकते हैं, मतलब सामने से अगर देखोगे ना तो छोटा लगता है, पर पीछे मतलब इस पोर्शन से अगर देखोगे तो थोड़ा सा वाइडर दिया हुआ है, वाइडर किया हुआ है, और सामने मीटर जो है बढ़िया। क्या बोलते हैं सौरभ भाई, क्या बोलते हैं, आ जाओ। मतलब हमने पहले एस देख लिया, उसके बाद तुमको पता होगा, इसको पता होगा एनएस चलाता है, मुझे उतना समझ नहीं है। मतलब V3 के हिसाब से तो भाई साहब हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है अकॉर्डिंग। बाकी सामने है प्रोजेक्टर और फिर
गियर तक है इसमें, और मीटर मुझे बढ़िया लगा, ये बोल सकते कि मीटर बढ़िया है। और टायर का सेक्शन अगर बताए तो नहीं दिखाई दे रहा, रुको टायर सेक्शन देखने दो। टायर सेक्शन ओके 130x70 ठीक ठाक है। मुझे एक चीज़ कैसा लग रहा है, मतलब इधर बैठने के बाद जो हम लोग का कॉकपिट व्यू मिलता है, जो V3 में जैसे मिलते हैं, हाँ दोनों में ऐसे एकदम अलग है। जैसे ओल्ड जो बजाज मिलता था ना, बजाज 150, वैसे टाइप का हैंडल है। बाकी भाई सब टेस्ट तो अभी अवेलेबल है, इंडिकेटर इस साइड पे लगा दिया गया है बहुत ही सामने, जो कि बढ़िया है। और सौरभ भाई समझ रहे उधर क्या कुछ प्राइस है इसका, बाकी देखते हैं F250 में क्या कुछ अलग है सामने, जो कि सिंपल टेलीस्कोपिक है, अप एंड अपसाइड डाउन नहीं है, और गोल्डन इंजन मेन चीज़ जो है गोल्डन इंजन। टेस्ट रेट तो अभी अवेलेबल नहीं है बोला, पर मतलब टोटल जो ऑर्डर प्राइस है इसका 179 बोला ना, 173। तो भाई N250 का प्राइस जो बोला गया है 173,000, और बोल रहे इसका माइलेज 40 आप, मुझे तो नहीं लगता वैसे 40 आप, हम लोग का खींची में कभी कभार मिलता है 40 से ऊपर, 40 to 45, उससे ऊपर तो नहीं मिलता, 100 cc इंजन ज़्यादा नहीं लगता 40 दे पाएगा। F250 जिसके सामने DRL दोनों साइड और बीच में प्रोजेक्टर। मीटर कंसोल पे आते हैं अगर तो एनालॉग जो बजाज का हर एक बाइक में रहता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। ओल्ड नहीं हुआ भाई साहब, इसको ओल्ड नहीं कह सकते हम लोग, नहीं जैसे मैं वो नहीं बोल रहा, पर अलग ही हर एक चीज़ में अलग है। और इधर है चार्जिंग पॉइंट, हाँ चार्जिंग पॉइंट वही देख रहे हैं। और इसका दो कलर अभी इधर अवेलेबल है, एक है ग्रे टाइप और एक रेड। और अभी बैठ के अगर बताते हैं हम लोग को, हाँ कॉकपिट व्यू, V3 का कॉकपिट व्यू, इसका कॉकपिट व्यू आपको पता है, तो ऐसे अगर हम शूट करेंगे तो कॉकपिट व्यू कुछ ऐसा आता है। कंफर्टेबल भाई बहुत है, कंफर्टेबल तो है, सामने प्रोजेक्टर, साइड स्टैंड ऑप्शन, RPM जो कि छोटा ही टाइप का है, बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। RPM लिमिट, ABS, इंडिकेटर, बाकी इसका भी माइलेज बोल रहे 40 के ऊपर, भाई 40 के ऊपर कैसे दे पाएगा। ये रहा इंडिकेटर साइड, पूरा मस्त लगा, टायर अगर खोल दे तो और भी बढ़िया लगेगा साइड से। बैकलाइट बहुत अच्छा दिया, बैकलाइट ऐसा क्या, बैकलाइट हाँ बैकलाइट इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि बजट में हमेशा कैसे रहता है बैकलाइट अच्छा लगा। माइलेज क्या क्लेम करते हैं हम लोग, 35, तो आप लोग सोच लो अभी। ये था वीडियो, बहुत डिमांड में था, मिलते दूसरे के दिन दूसरे के वीडियो के साथ, तब तक के लिए।